बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चौरे। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर से आ रही अहम खबर से, जहां पर शनि शिंगणापुर मंदिर में एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश के बाद अब पुरुषों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई, लेकिन गुड़ी पाड़वा के मौके पर बड़ी संख्या में पुरुष श्रद्धालु भी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गए। और इसके बाद भूमाता ब्रिगेड की संयोजक तृप्ति देसाई एक बार फिर मंदिर का रुख कर रही हैं। हम आपको ये भी बता दें कि महिलाओं के कई दिनों तक चले आंदोलन के बाद मंदिर ट्रस्ट ने फैसला किया था कि मंदिर के चबूतरे पर महिलाओं की तरह पुरुषों को भी अब चढ़ने की इजाजत नहीं होगी। दिनेश मौर्य हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, ये फैसला किया गया था कि चबूतरे पर चढ़ने की अनुमति किसी को भी नहीं होगी ट्रस्ट की ओर से, लेकिन आज अचानक इस तरह से पुरुषों का इस चबूतरे पर पहुंच जाना, क्या कवायद असली में हो रही है? देखिए, दरअसल पिछले कई वर्षों की यहाँ परंपरा है कि गुड़ी पाड़वा के मौके पर गोदावरी नदी का पवित्र जल लाया जाता है और इस जल से जो गांव के लोग हैं वो भगवान शनिदेव की प्रतिमा का अभिषेक करते हैं। और इसी परंपरा के तहत आज करीब 100 से 150 की संख्या में गांव वाले जो है मंदिर के अंदर दाखिल हुए। ट्रस्ट का दावा यह है कि उन्होंने गाँव वालों को रोकने की कोशिश की, लेकिन गाँव वाले माने नहीं। उसके बाद उन्होंने तेल से अभिषेक कर दिया। अब क्योंकि इस घटना के बाद अब भूमाता ब्रिगेड फिर एक बार आक्रामक हो गई, क्योंकि ट्रस्ट लगातार कह रहा था कि पुरुषों पर पाबंदी लगा दी गई है इसलिए महिलाओं की इजाजत अब नहीं दी जा सकी। लेकिन अब क्योंकि सरेआम इस तरह से 100-150 लोग पुरुष चबूतरे पर चढ़कर भगवान शनि का अभिषेक करे, तो अब भूमाता ब्रिगेड का कहना है कि वो भी जाएंगे, वो भी आप शनि भगवान का अभिषेक करना चाहते हैं चबूतरे पर चढ़कर। तो फिर एक बार टकराव की स्थिति बन सकती है, गांव वाले परंपरा का हवाला दे रहे हैं। वहीं भूमाता ब्रिगेड का कहना है कि जानबूझकर ट्रस्ट ने इन गांव वालों को गांव के पुरुषों को अभिषेक करने का अभिषेक करने के लिए दिया, ऐसे महिलाओं को वो रोक नहीं सकते। तो फिर एक बार टकराव की स्थिति प्रशांत कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। जी, लेकिन इस वक्त ताजा हालात क्या हैं? इस तरह से प्रदर्शन करने वालों को क्या शांत कर दिया गया है? ट्रस्ट क्या कुछ कह रहा है? अगर पुरुष इस तरह से जबरदस्ती यहाँ प्रवेश कर गए हैं, तो महिलाओं की अगर यही इच्छा रही तो उनके लिए ट्रस्ट क्या कुछ जवाब दे रहा है? देखिए, ट्रस्ट का ये कहना है कि उन्होंने गांव वालों को रोकने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, करीब 100-150 की संख्या में गांव वाले थे, तो वो उनका ज्यादा विरोध नहीं कर पाए। लेकिन महिलाओं को प्रवेश अब भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा ट्रस्ट का कहना है। और फिलहाल माहौल शांत है, जितने लोग आए थे वो सभी चले गए अभी तक। शुक्रिया दिनेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।